एक तरफ गाजा में इसराइल की सेना सीरियल हवाई हमले करने में जुटी है, तो वहीं लेबनान पर अब टैंक से भीषण हमले शुरू हो गए हैं। पीएम नेतन्याहू ने साफ आदेश दे दिए हैं कि जिस तरह से हमास का सफाया हो रहा है, ठीक उसी तरह से हिजबुल्ला का भी सफाया कर दिया जाए। लेकिन यहां पर दिक्कत यह हो रही है कि हिजबुल्ला ने इसराइल की टैंक्स को एंटी टैंक मिसाइल से तबाह करना शुरू कर दिया है। टैंकों का बना देंगे कब्रिस्तान, हिजबुल का इसराइल को चैलेंज। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो ये भी है कि हिजबुल्ला ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर ली है। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक हिजबुल्ला चीफ ने इजरायल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडल ईस्ट की मीडिया में यहाँ तक दावा किया गया है कि हिजबुल्ला ने इजरायल के मरकावा टैंक उड़ा दिया है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف تانكو کے اڑائے چیتھڑے لبنان میں اسرائیل کی ہار। हिजबुल्ला के दावों के मुताबिक दक्षिणी लेबनानी सीमा के पास एक इजरायली टैंक और कई सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके लड़ाकों के अलग अलग दस्तों ने हदाब यारिन साइट पर एक इजरायली मरकावा टैंक को एंटी टैंक मिसाइल से उड़ा दिया है। इसके अलावा हिजबुल्ला लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रबी सेट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने बोरकन मिसाइलों से बिरकिट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिसमें इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्ला के कमांडर ने दावा किया है कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलौन बेस पर हिजबुल्ला ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में IDF की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्ला ने कहा कि उसके ड्रोन हमलों में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्ला नहीं बता पाया है। गाजा और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।